हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला मोदक। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। इसके लिए मैं दिखाती हूँ मुझे सामान क्या क्या चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए आधा कटोरी चीनी मैंने लिया है, और साथ ही साथ लिया है मैंने ये एक कटोरी बेसन, और आधा कटोरी लिया है मैंने नारियल पाउडर, और ये मिल्क पाउडर ले लिया है। और अब इसके साथ ले लिया है मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी के, साथ ही साथ ले लिया है कुछ केसर के धागे, और 1 कप ठंडा दूध ले लिया है, और लिया है मैंने इलायची, और इसका कूट के मैं पाउडर बना लूँगी। और ले लिया है इस तरह से एक सांचा, आप कोई सा भी सांचा ले सकते हैं, नहीं है तो आप हाथ से भी आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं करना क्या है। अब ले लिया है मैंने 1/2 कप दूध, उसमें केसर के धागे डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब मैं ले लूँगी मिक्सी का जार, उसमें सबसे पहले डाल दूँगी चीनी, 1/2 कटोरी चीनी डाल दिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें मिल्क पाउडर, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर भी है, और अब इसमें मैं दूध जो रखी थी वो डाल देती हूँ। सारा दूध मैं इसमें डाल दूँगी, और जो मैंने केसर के धागे रखे थे वो भी ठंडा हो गया है, वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ, और इन सबको चला के एक बढ़िया सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तब तक अब मैं अब पैन चढ़ा देती हूँ गैस पे, और गैस को बिल्कुल ही स्लो रखना है, और इसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और इसमें मैं डालूँगी 4 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे। बस घी मेल्ट हो गया है, और लगभग इस टाइम पे अब मैं इसमें बेसन ऐड कर देती हूँ। लगभग 4 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है, आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ये क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं घी की या बेसन की। तो अब मैं 4 बड़े चम्मच बेसन डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच में अच्छे से भूनना है, बिल्कुल सोंधापन आने तक इसको अच्छे से भूनना है, लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये बीच में जल जाएगा और इसका स्वाद बिल्कुल उतर जाएगा। तो इसलिए लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेना है, ये देखिए। और जो भी इस तरह से गांठ हो उसको इसी तरह से दबाते हुए अच्छे से इसको भून लीजिए, एकदम बिल्कुल फाइन सा ये बन जाएगा। तब तक उधर जो मैंने मिक्सी में पीस के रखा था पेस्ट, उसमें मैं नारियल का पाउडर भी डाल के इसको भी अब अच्छे से पीस के रख लेती हूँ। और देखिए बेसन मेरा अच्छे से भुन गया है, अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस टाइम पे मुझे 1 चम्मच देसी घी और ऐड करना है। आप घी कम खाते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, पर इस टाइम पे देसी घी डालने से थोड़ा इसका बेसन में स्वाद और अच्छा आ जाता है। तो इसके लिए मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है, और इसको भी चलाते हुए लगातार इसको अच्छे से भून लेना है। बस ये लगभग भून गया है, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, और इस तरह से सब दबाते हुए आप अच्छे से इसको भून लीजिए। गाइस एक बार आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत लाजवाब लगेगी। इस तरह से मोदक आपने कभी नहीं बनाए होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसको देखिए भून गया है, और साथ ही साथ प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो मैं इसमें पूरा डाल देती हूँ। गैस को अब आप मीडियम कर लीजिए, और लगातार इस तरह से चलाते हुए आप बनाइए। आप ये मोदक बना के कम से कम 10-12 दिन रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, गेस्ट आते हैं दीजिए, और आप गणेश भगवान जी को इस तरह से बना के अपने हाथ से मोदक खिलाइए, गणेश भगवान भी खुश हो जाएंगे, और घर में सब परिवार के लोग भी खुश। देखिए कितना अच्छा सा मेरा डो तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया है, और अब इस टाइम पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसी हीट में लगभग 1 से 1.5 मिनट और चला लूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाए, जो इसमें दूध का पानी और जो भी सामान था सब मिक्स हो जाएगा, और ये बिल्कुल देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसको फटाफट से निकाल देती हूँ एक प्लेट में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बनाने में मुझे हाथ में उठाने में पकड़ने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ठंडा कर लिया है। अब जो मैंने इलायची पाउडर कूट के डाला था वो भी इसमें डाल दूँगी, और इसको भी हाथ से अच्छे से मिला लूँगी, और देखिए सब मिला के रख दिया है। अब मैं फटाफट से लेती हूँ अपना मोदक स्टैंड, ये सांचा ले लिया है, इसमें सबसे ऊपर इस तरह से मैं डाल दूंगी थोड़े से बादाम के टुकड़े,
आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट वो भी ऐड कर सकते हैं, आप पिस्ता भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। इस तरह से आप अच्छे से फीलिंग इसमें भर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड से आप जब इस तरह से पुश करेंगे तो वो सब निकल जाएगा। और हाथों की मदद से अच्छे से निकाल दीजिए एक बिल्कुल अच्छा सा। ये फिनिश मेरा मोदक तैयार हो गया है। देखिए अब इसको अच्छे से खोल लेते हैं और मोदक को निकाल लेते हैं। कितनी आसानी से यह बनता है और देखने में भी कितने क्यूट से लगता है। गणेश जी की मन पसंद चीज़ें हाथ से उनको चढ़ाइए, भगवान जी भी को बहुत ये मोदक पसंद आता है, गणेश भगवान को। तो आप गणेश चतुर्थी पे इस तरह का मोदक जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए इस तरह से मैंने दूसरा मोदक भी तैयार कर लिया है और इस तरह से खोल के निकाल लेती हूँ। और इस तरह सारे मोदक को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है और इसको फिर मैं रख लूँगी एक प्लेट में। आप देखिए ये तैयार हो गया है और अब सारे मोदक बन गए हैं मेरे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं डाल दूँगी केसर के धागे। इसे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जब आप मुँह में इस तरह से खाएंगे तो उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग आता है। देखिए सारा मोदक बिल्कुल तैयार हो गया है, तो आप खुद खाइए, परिवार को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। ये लाजवाब से मोदक आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए गाइस, थैंक यू सो